नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के बारे में। ये एक्ट जो है वो जो दिल्ली में निर्भया गैंगरेप केस हुआ था उसके बाद बना था, और इस एक्ट को बनाने की दूसरी वजह ये थी कि हमारे समाज में ऑल ओवर द कंट्री द ऑफेंसेस अगेंस्ट द चिल्ड्रन इज इंक्रीजिंग, especially the sexual offences against the children were increasing. इसीलिए सरकार ने उन हालातों को ध्यान में रखते हुए ये एक्ट बनाया था जिसे हम प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट कहते हैं। ये एक्ट 2012 में बना था, और जैसे कि सभी एक्ट में होता है, दिस एक्ट अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। ये एक्ट जो है सरकार ने आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के अंडर बनाया था, बिकॉज आर्टिकल 15 क्लॉज 3 एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू मेक स्पेशल लॉज फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, बिकॉज वुमेन एंड चिल्ड्रन आर कंसिडर्ड टू बी वनरेबल पार्ट ऑफ सोसाइटी, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए सरकार ने ये एक्ट बनाया था। एक्ट का पर्पज़ ये है कि बच्चों को पोर्नोग्राफी से बचाया जाए, प्रोस्टिट्यूशन से बचाया जाए, या किसी और तरह की अनलॉफुल सेक्सुअल एक्टिविटीज से बच्चों को बचाया जाए, और उनकी फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल डेवलपमेंट इंश्योर करी जाए। ये भी इस एक्ट का एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो बच्चा छोटा होता है, अगर उसके साथ बचपन में ही कुछ गलत हो जाए तो बच्चे की पर्सनैलिटी उतनी अच्छी तरह डेवलप नहीं हो पाती है। इस एक्ट के लिए बच्चे की एज हम 18 साल कंसिडर करते हैं, यानी 18 साल से छोटा कोई भी बंदा जो है वो बच्चा ही समझा जाएगा फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट में मेनली 5 तरह के ऑफेंसेस दिए गए हैं। सबसे पहले पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, जो सेक्शन 3 में डिफाइन है, सेक्शन 3 में डिफाइन है, जिसकी मिनिमम पनिशमेंट 7 ईयर्स और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, जो कि सेक्शन 4 में दी गई है। एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, जो सेक्शन 5 में डिफाइन है, और जिसकी पनिशमेंट मिनिमम 10 ईयर्स और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, जो कि सेक्शन 6 में दी गई है। सेक्सुअल असॉल्ट सेक्शन 7 में डिफाइन है, जिसकी मिनिमम पनिशमेंट 3 ईयर्स और मैक्सिमम 5 ईयर्स है, इसकी पनिशमेंट जो है वो सेक्शन 8 में दी गई है। Aggravated sexual assault, which is defined in section 9, and punishment for which is minimum 5 years and maximum 7 years, and the punishment is provided in section 10. Section 11 contains the definition of sexual harassment, and maximum punishment is 3 years, which is given in section 12. Now let's see what is penetrative sexual assault. जब कोई आदमी अपने पेनिस को टू एनी एक्सटेंट किसी भी मतलब अगर इवन इफ इट इज वेरी लेस इफ ही इंसर्ट्स इनटू द वजाइना माउथ यूथ्रा और एनस ऑफ द चाइल्ड वेदर मेल चाइल्ड और अ फीमेल चाइल्ड तो दैट पर्सन इज सेड टू कमिटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। नाउ ऐसा भी हो सकता है कि ही हैव नॉट इंसर्टेड हिज penis, in that case he inserts some other part of his body, for example a finger or some other object also, in that case also it would be penetrative sexual assault. But in the second clause mouth is not included, it is only vagina, urethra or anus, so any other part of body or any other object in vagina, urethra and anus of the child, not the mouth. Mouth is not covered in the second clause. When he manipulates any part of body of the child, so as to cause penetration into vagina, urethra or anus. Right. या तो वो अपने साथ करे, मेक्स द चाइल्ड टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन, ही अप्लाइज हिज माउथ
टू पेनिस, यानी वो बच्चे के पेनिस पे या बच्चे की वजाइना पे या एनस पे या यूथरा पे, और ही मेक्स द चाइल्ड टू डू सो विद हिम और विद एनी अदर पर्सन, इन दैट केस ऑल्सो इट इज पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द पनिशमेंट एंड फॉर द पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट विच इज मिनिमम 7 years एंड मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट अलॉन्ग विद द फाइन, राइट. Now let's see what is aggravated penetrative sexual assault. Aggravated means something bada hua, jise hum keh sakte hain na, ki jaise ek hoti hai chot aur dusra hota hai ghayal hona. To chot to hum samajhte hain ki choti cheez hai aur ghayal hona hum samajhte hain ki badi cheez hai. Aggravated is just like that. Now if you see, everything is same except this word aggravated. It is also a penetrative sexual assault. So the section defines, section 5 defines some cases when it is considered as aggravated penetrative sexual assault. Means first it has to be a penetrative sexual assault. Then in these cases you would see that these are some kind of special cases. Ye kuch khas tarah ke cases hain. जिसमें अगर ऐसा ऑफेंस होगा, जिसमें अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होगी, तो हम उसे एग्रेवेटेड फॉर्म कहेंगे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की. अब इसमें ज़्यादातर केसेस वो हैं जब कोई ऐसा आदमी आपके साथ असॉल्ट करे जो आप जिसकी जिम्मेदारी आपकी रक्षा की थी, यानी उस चाइल्ड की रक्षा की थी, या तो वो करे या किसी ऐसे तरीके से करे जिससे बहुत डेंजरस, जो तरीका बहुत डेंजरस हो, या फिर कोई ऐसा बंदा उसे करे जिससे उसे करने की उम्मीद नहीं की जाती. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पुलिस वाला करता है बींग ऑन ड्यूटी, या जो बच्चा, जिस बच्चे के साथ वो कर रहा है, वो बच्चा जानता है कि वो पुलिस वाला है, तो इट इज एन एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट. व्हेन ही इज मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, जब कोई सैनिक या कोई और तो सैनिक या सैन्य बल अगर कोई ये काम करते हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, तो उसे भी हम एग्रेवेटेड फॉर्म में ट्रीट करेंगे. व्हेन इट इज डन बाय पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, व्हेन इट इज डन बाय अ पर्सन हु इज इन मैनेजमेंट ऑफ जेल, रिमांड और प्रोटेक्शन होम, कुछ ऐसे जो जुवेनाइल होते हैं, माइनर जो बच्चे ऑफेंडर्स होते हैं, उनके लिए एक प्रोटेक्शन होम होता है, वहाँ पे अगर कोई करता है तो भी वो एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है. वो बीइंग ऑन मैनेजमेंट और ऑफ स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल, अब कोई बच्चा किसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने गया और वहाँ पे उसके साथ कोई स्टाफ का मेंबर या कोई मैनेजमेंट का मेंबर ऐसा कर देता है, तो भी हम उसे एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कहेंगे. किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ऐसा काम हो जाए तो भी, जब वो एक से ज़्यादा लोग करें, यहाँ अगर एक से ज़्यादा लोग करते हैं तो उसमें हम कॉमन इंटेंशन ट्रीट करेंगे, भले ही सब लोगों ने मिलके वो ना कराओ, मे बी अदर पर्सन आर डूइंग सम, जैसे कोई गार्ड कर रहा है, कोई बाहर खड़ा है दरवाजे के और कोई अंदर कुछ गलत काम कर रहा है, तो वो जो बंदा बाहर खड़ा है वो भी उसी तरह लाइबल होगा जैसे कि वो अंदर वाला बंदा लाइबल होगा. जब वो किसी डेडली वेपन का यूज़ करके बच्चे को डराया गया हो और उसके साथ ये काम किया गया हो, जब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करते हुए बच्चे को ग्रीवियस हर्ट कर दिया हो, तब जब वो फीमेल चाइल्ड, अगर वो इन केस इट इज़ अ फीमेल चाइल्ड, शी बिकम्स प्रेग्नेंट बाय द एक्ट ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, देन व्हेन द चाइल्ड इज इन्फेक्टेड विद HIV वायरस, जब बच्चे को कोई बच्चे के साथ कोई एड्स का पेशेंट ऐसा कर देता है और वो बच्चे को भी इन्फेक्ट कर देता है, या किसी और लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से बच्चे को अफेक्ट कर देता है, जब कोई बच्चे की मेंटल या फिर उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी का फायदा उठाता है, तब व्हेन इट इज कमिटेड बाय मोर देन वंस, यानी कि कोई किसी का लगातार शोषण करता जा रहा है, जैसे मान लीजिए किसी ने बच्चे के साथ एक बार काम किया गलत, फिर उसके बाद बच्चा चुप रहता है, बच्चा किसी को बोलता नहीं है और वो बच्चे का रेगुलर शोषण कर रहा है, तब भी एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होगी. जब वो 12 साल से कम के बच्चे के साथ किया जाए,
when it is done by relative of child, जब कोई बच्चे का रिश्तेदार उसको ये काम करे, जब कहीं दंगे हो रहे हों देश में, तब कोई उस सिचुएशन का फायदा उठा के ये काम करे, जब करने वाला जो बंदा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बाद बच्चे का मर्डर कर दे, तो when who has been previously convicted of sexual offence, suppose कोई बंदा पहले रेप के लिए पनिश किया जा चुका है और वो पनिशमेंट से छूटने के बाद वो ये काम कर देता है किसी बच्चे के साथ, तो भी ये aggravated form of penetrative sexual assault होगी. जो कोई बंदा who commits with child penetrative sexual assault and makes the child to strip or parade naked in the public, कोई उसके बच्चे के साथ पहले penetrative sexual assault करता है और उसके बाद उस बच्चे को जो है वो न्यूड परेड कराता है, नंगा करके घुमाता है बाजार में या किसी पब्लिक प्लेस पे, तो भी वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होगी. नाउ लेट्स सी व्हाट इज सेक्सुअल असॉल्ट. अब यहां सिर्फ ये दो शब्द इंपॉर्टेंट है, बाकी सारा सेक्शन सेम है. विदाउट पेनिट्रेशन, इसीलिए मैंने इसे सबसे पहले हाईलाइट कर दिया. When somebody touches with sexual intent vagina, penis, anus or breast of a child or makes the child touch vagina, penis, anus or breast of such person or any other person or does any act which involves physical contact. अब यहाँ आप एक चीज नोट करेंगे कि यहाँ लिखा है vagina, penis or anus or breast of child or makes the child to touch vagina, penis, anus or breast of such person. Means sexual assault can be done by both men and women. दोनों इसे कर सकते हैं, तो कोई औरत को भी आप इसके लिए liable कर सकते हैं, ठीक है. इसमें सब कुछ होता है, हो सकता है कि वो बंदा उस बच्चे को जो है पीछे से grab कर ले या किसी और तरीके से. उसकी intent जो है वो sexual होनी चाहिए, ठीक है, और देयर शुड नॉट बी एनी पेनिट्रेशन. अगर इस सेक्सुअल असॉल्ट वर्ड के साथ पेनिट्रेशन लग जाए तो ये ऑफेंस जो है वो सेक्शन 3 में ही आ जाएगा. इसमें और इस सेक्शन में डिफरेंस सिर्फ यही है कि ये जो है दिस इज विदाउट पेनिट्रेशन, विदाउट पेनिट्रेशन, ठीक है. ये हो गया सेक्सुअल असॉल्ट. अभी हमने इससे पहले हमने देखा था कि हमने कुछ स्पेशल केसेस मैंने आपको बताए थे जब वो एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट होता है. इस केस में भी सेक्शन 9 में जो एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस दिए गए हैं वो सेम ही हैं लगभग. जब कोई पुलिस वाला करे सेक्सुअल असॉल्ट, जब कोई आर्म्ड फोर्सेस का मेंबर करे या कोई पब्लिक सर्वेंट करे या कोई स्टाफ का जेल का बंदा करे या कोई हॉस्पिटल का बंदा करे या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का बंदा करे या कोई गैंग असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड हो, यानी एक से ज़्यादा बंदे करें, ठीक है, या कोई सी डेडली वेपन का यूज़ करके बच्चे का सेक्सुअल असॉल्ट किया जाए या फिर कोई ग्रेवियस हर्ट कर दे बच्चे को, कोई सेम ही सारे केसेज है जो अभी हमने पीछे देखे. सो इट इज़ लाइक दैट. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ देयर इन सेक्सुअल हरासमेंट. सेक्सुअल हरासमेंट मीन्स जब कोई बंदा सेक्सुअल इंटेंट से कोई वर्ड बोले, जैसे कि अश्लील गाना गाना, ठीक है, या कोई अजीब सी आवाज़ निकालना, राइट, या कोई ऐसा जेस्चर बनाना या अपनी बॉडी का कोई पार्ट दिखाना चाइल्ड को, बच्चे को उस तरह से दिखाना कि बच्चा उस चीज़ उस आवाज़ को सुन ले या उस जो ऑब्जेक्ट को या वो जेस्चर जो वो दिखा रहा है वो बच्चा देख ले, तब हम उसे सेक्सुअल हरासमेंट कहते हैं. या फिर बच्चे का कोई बॉडी पार्ट जो है वो देख ले या उस बच्चे को फोर्स करे दिखाने के लिए, ठीक है, इट इज सीन बाय सच पर्सन और एनी अदर पर्सन, यानी कि वो खुद अपने देखने के लिए या किसी और पर्सन को दिखाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल कोई किसी लड़की को कहता है कि अपनी यू नो शो मी योर ब्रेस्ट, देन इट इज एन ऑफेंस. और अगर वो उस बच्चे की बॉडी पार्ट किसी दूसरे को दिखाता है, खुद नहीं देखता भले ही, बट ही आस्क द चाइल्ड टू शो टू समवन एल्स,
even then it is offense. When he shows any object to the child in any form or in any form of media for pornographic purposes. जब वो बच्चे को कोई pornographic material वगैरह दिखाए तो भी it is an offense of sexual harassment. जब कोई बच्चे को constantly follow करे या बच्चे को घूरे या फिर बच्चे को regular contact करे directly या फिर कोई Facebook या WhatsApp या किसी और medium के थ्रू right, तो भी it is also sexual harassment. या कोई बच्चे को एंटाइस कर ले उठा ले फॉर पॉर्नोग्राफिक पर्पज या बच्चे को रिश्वत दे किसी यू नो गलत काम के लिए तो भी इट इज एन ऑफेंस. या बच्चे को वो थ्रेट करे इन एनी फॉर्म ऑफ मीडिया, ठीक है, हो सकता है वो बच्चे को ये डराए कि मैं तेरी ये जो है नकली फोटो बना के इंटरनेट पे डाल दूंगा, फेसबुक पे तेरे सब दोस्तों को दिखा दूंगा, ठीक है, या उसको वो बच्चे के कोई यू नो फोटो माफ करके या वीडियो माफ करके वो उस बच्चे को कहे कि अब मैं ये नकली वीडियो को जो है एज अ रियल आई वुड प्रेजेंट इट टू द एंटायर वर्ल्ड और टू योर फ्रेंड्स सो दैट द चाइल्ड यू नो चाइल्ड कैन एंगेज इन फिजिकल रिलेशन विद दैट पर्सन तो भी इट इज एन ऑफेंस एंड द पर्सन इज लाइबल टू बी पनिश्ड. अगर कोई बंदा किसी बच्चे की यू नो पॉर्नोग्राफिक पर्पस के लिए यूज करता है, चाहे वो अपने पर्सनल यूज के लिए करे या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करे, द पर्पस इज सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन. अगर वो उसके लिए बच्चे की कोई फोटो प्रिंट फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव कर लेता है, फोटो या वीडियो कुछ भी समझ लीजिए आप, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्स और उसमें उस फोटो या उस इमेज में बच्चे का जो है रिप्रेजेंटेशन, बच्चे के सेक्सुअल ऑर्गन्स का रिप्रेजेंटेशन हो, यू नो बच्चे के उसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स दिखाई दे रहे हो, या बच्चा रियली स्टिमुलेटेड सेक्स में इन्वॉल्व हो विद या विदाउट पेनिट्रेशन, दैट डज नॉट मैटर, ठीक है, इनडिसेंट या ऑब्सीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ चाइल्ड, या बच्चे का जो है इनडिसेंट या ऑब्सीन रिप्रेजेंटेशन उसमें हो रहा हो, तो इनडिसेंट एंड ऑब्सीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ चाइल्ड, यूजेज ऑफ चाइल्ड इन रियल एंड स्टिमुलेटेड सेक्सुअल एक्ट्स विद और विदाउट पेनिट्रेशन, दोनों तरह से कवर्ड है, या रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ चाइल्ड, उस बच्चे के सेक्सुअल ऑर्गन्स उसमें दिखाई दे रहे हो, ठीक है, तो भी इट्स एन ऑफेंस. सेक्शन 14 में इसकी पनिशमेंट दी गई है, हूएवर यूजेस चाइल्ड और चिल्ड्रन फॉर पॉर्नोग्राफिक पर्पस शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन विच मे एक्सटेंड टू 5 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन. और अगर सेकंड दूसरी बार उसका कन्विक्शन होता है फॉर सेम ऑफेंस, जैसे कि एक बार बंदा पकड़ा गया और उसका दोबारा वो यही काम करता है, तो उसकी पनिशमेंट 7 साल तक हो सकती है, ठीक है. अगर जो पॉर्नोग्राफिक पर्पस के लिए उसने एक काम किया है, इफ अ पर्सन यूजिंग द चाइल्ड फॉर पॉर्नोग्राफिक पर्पस कमिट्स एन ऑफेंस रेफर्ड इन सेक्शन 3 मीन्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट by directly participating in pornographic acts, he shall be punished with 10 years or life imprisonment. Agar section 5 ke andar wala offense hai, yani ki aggravated form, then rigorous life imprisonment for life. Agar section 7 wala, yani ki sexual assault wala kaam hai, then not less than 6 years and maximum 8 years. Theek hai. And when the person using the child for pornographic purpose commits offense under section 9, yani ki aggravated sexual assault, which is defined in section 9, by directly participating in pornographic act, he shall be punished with imprisonment, which shall not be less than 8 years and which may extend to 10 years. Now let's take some important points under this act. अगर कोई बंदा attempt करता है और वो attempt fail हो जाती है, then he is liable to 1/2 of punishment, ठीक है, of life imprisonment or the longest duration. अगर offence के लिए life imprisonment नहीं है, तो the जो longest duration है उस offence की punishment जो longest है, उसका 1/2 के लिए वो लाइबल होगा. अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस इज ऑल्सो ऑफेंस.
सेक्शन 1617 में इस एक्ट के, इसकी अबेटमेंट भी ऑफेंस है। यानी अगर कोई खुद नहीं कर रहा, किसी और को इस एक्ट के अंदर ऑफेंस करने के लिए उकसा रहा है, इवन देन ही दैट पर्सन हु इंस्टिगेट्स, जो उकसा रहा है वो भी लाइबल होगा। अगर पुलिस को लगता है, व्हेन पुलिस थिंक जिस बच्चे के खिलाफ क्राइम हुआ है, चाइल्ड अगेंस्ट होम क्राइम इज कमिटेड, नीड्स केयर, उस बच्चे को केयर की जरूरत है विशेष, ही शेल, द पुलिस ऑफिसर शेल मेक इमीडिएट अरेंजमेंट टू गिव हिम सच केयर एंड प्रोटेक्शन विद इन 24 आवर्स ऑफ रिपोर्ट। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चा जो है ऐसे ऑफेंस से जो है शॉक में चला जाता है, तो पुलिस की ये ड्यूटी बनती है कि उस बच्चे को प्रॉपर केयर दी जाए, प्रॉपर काउंसलिंग उसकी की जाए, ताकि वो बच्चा उस सदमे से बाहर निकल सके। हमारे देश में क्या होता है कि बहुत सारे लोग इसीलिए रिपोर्ट नहीं करते कोई ऑफेंस जानते हुए भी, कि उन्हें लगता है कि यार अपन क्यों पंगे में पड़े, राइट। तो इस एक्ट में एक स्पेशल प्रोविजन दी गई है कि किसी भी बंदे की जो इसके इस एक्ट के अंदर, पॉस्को एक्ट के अंदर होने वाले ऑफेंस की रिपोर्ट करेगा गुड फेथ में, उसकी कोई सिविल या क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होगी फॉर गिविंग दी इंफॉर्मेशन, राइट। मीडिया हाउस जो होते हैं, जो समाचार चैनल होते हैं, उनके ऊपर भी इस एक्ट में एक प्रावधान किया गया है कि वो बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, इंक्लूडिंग हिज नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ, फैमिली डिटेल्स ऑफ द चाइल्ड, डिटेल्स ऑफ स्कूल या नेबरहुड। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे 6 महीने की सजा होगी। इसके पीछे आइडिया ये है कि वो बच्चे की जो है आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो जाए, और ताकि, क्योंकि अगर बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो गई तो उस बच्चे को आगे अपना जीवन व्यतीत करने के लिए बड़ी दिक्कत होगी। इसीलिए कोशिश ये है कि बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो और वो बच्चा अपने इस एक्सीडेंट से उभर सके, जो उसके साथ हादसा हुआ है उससे वो उभर सके। जो अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा ऑफेंस हो जाता है तो उस बच्चे की स्टेटमेंट जो है उस बच्चे के घर पे ही रिकॉर्ड होगी, थाने में नहीं। पुलिस वाले क्या करते हैं, थाने बुला लेते हैं, तो आप मना कर सकते हैं, आप बोलिए कि आप कराइए, तो थाने वालों को बोलिए, पुलिस वालों को बोलिए कि स्टेटमेंट इज टू बी रिकॉर्डेड एट द रेजिडेंस एज पर लॉ, ठीक है। तो वो पुलिस वाले को आपके घर आना पड़ेगा, या तो उसके घर पे रिकॉर्ड होगी या उस बच्चे की चॉइस पे रिकॉर्ड होगी, जहां वो बच्चा चाहता होगा। सपोज बच्चा नहीं चाहता कि बच्चे के घर पे ये रिकॉर्ड हो स्टेटमेंट, क्योंकि हो सकता है घर वाले ने किसी ने ऑफेंस किया हो, तो जहां वो बच्चा चाहेगा वहां उसकी स्टेटमेंट होगी, दैट टू बाय अ वुमेन पुलिस ऑफिसर, ठीक है। वो कोई महिला पुलिस अधिकारी ही उसकी रिपोर्ट लिखेगी, जो कि कम से कम सब इंस्पेक्टर होगी। सब इंस्पेक्टर मतलब कि जिसकी वर्दी पे दो स्टार होंगे कम से कम वो रिकॉर्ड करेगी स्टेटमेंट उसकी, ठीक है। जब बच्चे की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी जाएगी तो वो पुलिस वाले यूनिफॉर्म में नहीं होंगे, दे आर नॉट टू बी इन यूनिफॉर्म एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड। जब पुलिस स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही होगी बच्चे की, तो पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि बच्चा जो है वो एक्यूज के कॉन्टेक्ट में ना आए। मतलब कि अगर कोई बंदा ऐसा बच्चा कह रहा है कि घर का ही कोई बंदा है जो ऑफेंस कर रहा है, तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो एक्यूज उस वक्त वहां मौजूद ना हो जब वो बच्चा अपना बयान रिकॉर्ड करा रहा है। किसी भी बच्चे को रात को थाने में डिटेन नहीं किया जाएगा, किसी भी केस में, किसी भी सूरत में। बयान दर्ज हो ना हो, आप बच्चे को थाने में डिटेन नहीं कर सकते, ठीक है। पुलिस की ड्यूटी है कि बच्चे की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया जाए एंड उस बच्चे की मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह कराया जाए। इसके पीछे पर्पस यही है ऑब्वियसली कि बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो। पुलिस कोशिश तो पूरी करती है कि मीडिया को भी पता ना चले, बट मीडिया वाले ढूंढ ही लेते हैं। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ पुलिस टू प्रोटेक्ट द आइडेंटिटी ऑफ चाइल्ड। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। इस एक्ट के अंदर गलत जानकारी देना या किसी को गलत इन्फॉर्मेशन देना कि या झूठ बोलना कि किसी के साथ किसी ने ऐसा इन्फॉर्म, किसी के ऊपर झूठा ब्लेम लगाना बेसिकली, वो भी एक ऑफेंस है और उसके लिए भी पनिशमेंट है। बट अगर वो बच्चा करता है, अगर कोई बच्चा झूठ बोलता है, तो उस बच्चे को कोई सजा नहीं होगी, अदरवाइज 6 महीने की सजा है गलत बोलने, झूठ बोलने पे। अगर आप किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाते हैं तो आपको 6 महीने की सजा हो सकती है। जनरली लॉ की प्रजम्पशन ये होती है कि अनलेस अ पर्सन इज प्रूव्ड गिल्टी ही इज इनोसेंट,
बट इस एक्ट में प्रिजम्पशन ये है इन केस ऑफ ऑफेंसेस ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड सेक्सुअल असॉल्ट द प्रिजम्पशन इज अगेंस्ट एक्यूज, यानी कि हम ये मान के चलेंगे कि एक्यूज ने ऑफेंस किया है, ठीक है, इन केस ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड इन केस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट हम ये मान के चलेंगे कि इसने ये ऑफेंस किया है। और एक पॉइंट और सेक्शन 15 में, अगर आप पॉर्नोग्राफिक पर्पस के लिए पॉर्नोग्राफिक मटेरियल स्टोर करके रखते हैं फॉर कमर्शियल पर्पस, इवन देन इट इज एन ऑफेंस एंड इट इज ऑल्सो लाइबल टू बी पनिशमेंट ऑफ 3 years, उसके लिए 3 साल की सजा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।